मॉर्निंग, आज आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊंगा कि 78 जो सैंपल्स के रिजल्ट आए हैं कल शाम को, और जिसमें से लेह डिस्ट्रिक्ट में मतलब 16 नेगेटिव और 18 पॉजिटिव केसेस आए, और ये मेजर जंप है कि मतलब बहुत दिनों से काफी हमारे पास केसेस जो थे बिल्कुल भी बढ़ा नहीं, और एकाएक 18 पॉजिटिव केसेस आए, जिसमें 16 केसेस जो हैं आपको ऑलरेडी जो कंटेनमेंट जोन में है चुशोत युकमा उसमें से हैं 16 केसेस, और एक लेह सिटी का केस है जो कि जांगस्ती का है, और एक केस हमें आरोग्य सेतु से मिला कि आरोग्य सेतु का जो ब्लू मतलब उस ऐप के माध्यम से वहां मतलब अलर्ट हुआ, फिर हमने उनका सैंपल कराया और वो पॉजिटिव निकला। तो टोटल 18 केसेस तो आज हुए, और लेह डिस्ट्रिक्ट में अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 31 पहुंच, अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो हो गए हमारे पास 20, जिसमें से दो पहले के हैं और अभी 18, यानी टोटल 20 केसेस हो गए। अब आपको पता है कि मतलब अभी एनसीडीसी हमारे सैंपल्स नहीं ले रही है क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबर्डेंड है, लेकिन हम सैंपलिंग मतलब जैसे लेना शुरू करेंगे दोबारा सैंपलिंग शुरू करेंगे। बट अब हमारे सामने ये मेजर चैलेंज आ गया है कि जहां आपका केसेस बिल्कुल ही रुके हुए थे और 10-15 दिन में एक केसेस आ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में था और एकाएक इतना मेजर जंप हुआ, तो नाउ इट हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जो वगैरह इट हैज बीन क्लासिफाइड एज रेड, ठीक है। तो उसके कारण से हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होंगी, साथ ही साथ जो भी एमएचए ने रिलैक्सेशंस अनाउंस किए हैं वो रिलैक्सेशंस लेह डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ जो कंटेनमेंट एरियाज हैं हमारे उनमें जैसे चुशोत योकमा है, तो पहले हमारे पास सैंपल्स नहीं आ रहे थे लेकिन लोगों को जब हमने मोटिवेट किया लोग सैंपल देने को तैयार हुए, तो उसके कारण से हमें अब पता चल रहा है कि कितने ज्यादा मतलब लोगों में कंटेमिनेशन है, और कंटेमिनेशन जो कंटेनमेंट जोन है अब हम उसको चुशोत योकमा चुशोत गोंगमा और चुशोत समा तीनों गांव को एक ही कंटेनमेंट जोन के अंदर लेने जा रहे हैं, और ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी, पुलिस की पेट्रोलिंग भी होगी ताकि जो भी मेजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के या फिर इन्फोर्समेंट करने के वो सारे बहुत अच्छे से इन्फोर्स हो सके। अब आपको ये बताना चाहूंगा सभी को कि आरोग्य सेतु ऐप कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य होगा, इट्स ये मैंडेटरी होगा, सभी के मोबाइल ऐप में होगा, और क्योंकि ये अच्छी बहुत अच्छा ऐप है जिससे हमें आज आपको पता चला कि एक केस हमें पॉजिटिव मिला, और तो काफी हेल्पफुल है हमारे के लिए। तो कंटेनमेंट जोन के अंदर ये मैंडेटरी होगा सभी को डाउनलोड करना, साथ ही साथ जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन चाहे वो खलसे की तरफ से आएंगे या फिर यानी जोजिला की तरफ से या फिर रोहतांग की तरफ से आएंगे हिमाचल साइड से, तो मैंडेटरी उनको डाउनलोड करना है, प्लस जो यहाँ के लोग हैं उनको भी मैंडेटरी डाउनलोड करना ही करना है। अगर हमें ऐसे केसेस आते हैं कि इन्होंने डाउनलोड नहीं किया है जानबूझकर या फिर जैसे भी, तो हम उनपे पीनल एक्शन भी लेंगे जो लॉ के अंदर मैंडेटेड है। अब उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कंटेनमेंट जोन में कि ऑलरेडी एमएचए ने जो एमएचए की तरफ से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है तो वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएंगी, साथ ही साथ जो 3 तारीख के बाद गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं, 3 तारीख के बाद जो गाइडलाइंस में रिलैक्सेशन हैं तो वो लेह के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप सभी का साथ चाहिए कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, क्योंकि जिस हिसाब से आज मतलब एक केसेस में बढ़ोतरी हुई है अगर ये तभी थम पाएगा जब तक हम स्ट्रिक्टली इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे जो कंटेनमेंट मेजर्स हैं, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर प्रिकॉशंस हैं, और जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आज से वो भी अपना होटल में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वहां से वो काम कर सकें कि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि अपने घर में रहें, अननेसेसरी बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, और जिस किसी को भी निकलना है वो बिना पास के नहीं निकलेगा, इन्फोर्समेंट थोड़ा तेजी से और तगड़ा होगा, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहें और हमारा सहयोग करें। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.